हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फील द फ्लोर चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप बद्रीनाथ के आसपास कौन सी जगहों पर घूम सकते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की नए अपडेट्स मिलते रहें। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा शुरू हो गई है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ऐसे में कई लोग इन खूबसूरत नजारों को देखने और ईश्वर के दर्शन के लिए चारों धाम जाने की योजना कर रहे हैं। उत्तराखंड के चार धामों में बद्रीनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के नाम शामिल हैं। इसमें केदारनाथ और बद्रीनाथ की तस्वीरें सबसे अधिक देखने को मिलती हैं। यहाँ के सुंदर नजारे, मंदिर के पीछे बर्फ से ढकी पहाड़ियों और घोड़े व पालकी पर बैठे दर्शन के लिए जाते यात्री देखकर ही मन जो है खुश हो जाता है। हालांकि लोगों को इनके आसपास के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। यात्री बद्रीनाथ धाम तक जाते हैं और मंदिर के दर्शन कर लौट आते हैं। लेकिन इस बार अगर बद्रीनाथ जाएं तो आसपास की कुछ अन्य जगहों को भी एक्सप्लोर करें। बद्रीनाथ मंदिर के पास बहुत सी अद्भुत जगहें हैं जहां पर आप घूमकर आपकी ट्रिप बहुत यादगार और मजेदार बना सकते हैं। चलिए जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम के आसपास ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आप घूम सकते हैं और आपको जाना चाहिए। नीलकंठ चोटी। उत्तराखंड की सबसे प्रमुख चोटियों में नीलकंठ का नाम शामिल है। यहाँ कई अद्भुत दृश्य देखने को मिलते हैं। नीलकंठ चोटी अद्भुत ट्रैक्स के लिए काफी प्रसिद्ध है। बद्रीनाथ आने वाले यात्री नीलकंठ चोटी घूमने जा सकते हैं। ये जगह आपके सफर को रोमांचक बना देगा। चरण पादुका। बद्रीनाथ शहर से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर चरण पादुका पर्वत है। यहाँ भगवान विष्णु के पद चिन्ह देखने को मिलते हैं। यह शिलाखंड एक धार्मिक स्थल है। इस जगह से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। वहीं यहाँ से कई सुंदर नजारे देखने को मिलते हैं। वसुधरा फॉल्स। वसुधरा फॉल्स बद्रीनाथ से थोड़ी ही दूर माना गांव में वसुधरा वॉटरफॉल्स स्थित है। इस झरने की ऊंचाई 12,000 फीट है। कहते हैं कि यहां पांडवों ने विश्राम किया था। वसुधरा फॉल्स तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर की ट्रेकिंग करनी पड़ती है। रास्ते में माना गांव में सरस्वती नदी बहती दिख जाएगी। बद्रीनाथ से माना गांव तक 3 किलोमीटर टैक्सी से पहुंचा जा सकता है और आगे 2 घंटे का ट्रेकिंग है। व्यास गुफा। बद्रीनाथ मंदिर से कुछ ही दूर पर व्यास गुफा स्थित है। व्यास गुफा बेहद खास और लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। पौराणिक कथा के मुताबिक यहाँ ऋषि व्यास ने भगवान गणेश की मदद से महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। यहाँ पहुँचने के लिए ट्रैकिंग करनी पड़ती है। ये थे कुछ प्लेसेस जहाँ पर आप घूम सकते हैं अपनी बद्रीनाथ धाम के यात्रा के दौरान। चलिए साथ में जान लेते हैं कि आप कैसे पहुँच सकते हैं बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जाने के लिए ऋषिकेश, हरिद्वार या देहरादून तक ट्रेन से पहुंचे। ऋषिकेश से बद्रीनाथ की दूरी 295 किलोमीटर है। यहां से आपको बद्रीनाथ के लिए टैक्सी या बस मिल जाएगा। इसके अलावा आप जॉली ग्रांट इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। यहां से बद्रीनाथ की दूरी 314 किलोमीटर है। आपको एयरपोर्ट से टैक्सी आसानी से मिल जाएगी। ये थे कुछ प्लेसेस जहाँ पर आप घूम सकते हैं अपने बद्रीनाथ धाम की यात्रा के दौरान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।